अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो चाची जी की बात करते हैं। चाची जी हमारी फिर से पहुँच गई हैं वलियों की बेहुरमती करने, नाचने गाने। जैसा कि कल भी वीडियो में बोला था कि वलियों के दर पर जाना, उनकी आराम गाह के करीब जाना जो है वो गुनाह की बात है, फिर भी इनकी तो आदत है ना घुसने की हर जगह, तो पहुँच गई हैं ये आज भी फिर से वलियों की बेहुरमती करने। और मैं आपको बताऊँ के ये वली कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया ये कौन है और इनको क्या रुतबा मिला, इनको क्या चीज़ दी गई, तो मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक्या, मतलब और भी ज़्यादा शॉर्ट करके बताती हूँ कि हमारे अल्लाह के ये दो महबूब हैं। मतलब महबूब तो हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये जो वलियों के अंदर महबूब है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो दो महबूब है, एक है महबूब सुभानी और दूसरे है महबूब इलाही। तो महबूब सुभानी कौन है? तो महबूब सुभानी है हमारे पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, और महबूब इलाही, महबूब इलाही बोला जाता है हमारे निज़ामुद्दीन औलिया को। तो ये हमारे महबूब इलाही के पास गई है और जाकर वहाँ पर वही के अपनी फजूल की बकवास करना ही बोलेंगे ना इसको, जहाँ गई है वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ो, कुछ कुरान लेके बैठो, यासीन शरीफ लेके बैठो। नहीं, ये मैं तो यूँ करती हूँ, ये तो परसों की मन्नत थी, ये तो 4 साल पुरानी थी मैं शादी से पहले। अबे भाई, शादी से पहले शादी के बाद भूख खाओ तुम, वो मत बताओ हमको। तुम जाके क्या कर रही हो तुम वलियों के दर पर? और सबसे बड़ी बात की जो वहाँ के खादिम है ना, वो तो नींद की गोलियाँ खा के बैठे हुए, उन्हें तो होश ही नहीं है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, या तो फिर ये नोट देके उनका मुंह बंद कर देती हैं और वही के पैसा लेके उन्होंने अपना दीन ईमान बेच कर बैठे हुए हैं, जब भी वो चुपचाप जो है वो इनकी जो उछल कूद जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है कि उससे पहले भी ये किसी दरगाह पर गई थी, किसी मज़ार पर गई थी, वहाँ जाकर भी इन्होंने वही गाने शानों पर रील्स बनाई थी, जिसके ऊपर रेहाना बॉस ने भी थोड़ा सा बुरा मनाया था और उन्होंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वहाँ जाकर जो है ये गाने नाच रही है, गा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पर अभी जो है ना, अभी सारे के सारे जो है वो सोए हुए बैठे हुए, उनको कोई होश नहीं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है ना, दुनिया में मगन हुए हैं अपने। तो भाई ये दुनिया भी जो है ना हमारे पीर वलियों की बदौलत चल रही है, अल्लाह ने वसीला दिया हुआ है हमको, ठीक है, पीर वलियों का ही वसीला है हमारे पास, जो ये दुनिया जो है ना आगे तक चल रही है कि आओ इनके दर पर और इनके वसीले से मांगो। और लोग बोलते हैं कि इनसे नहीं मांगो, ये हमें कुछ नहीं देते, अल्लाह देता है। बेशक अल्लाह देता है भाई। अगर एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर पर सीढ़ियों के ज़रिए ही जाना पड़ता है, लिफ्ट के ज़रिए ही जाना पड़ता है, लिफ्ट या सीढ़ी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप जंप मार के नहीं पहुंच जाओगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप के समझ में आएगा सबको कि भाई अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं ना, तो 10 फ्लोर पर हम ऐसे ही नहीं पहुँच जाएंगे कि देखा और 10 फ्लोर पर पहुँच गए, सीढ़ी की या लिफ्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये मत बोलो कि अल्लाह देता है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पालने वाला सिर्फ रब है, अल्लाह ताला है पूरी दुनिया को पालने वाला। तो फिर जो है ये हमारी चाची जी जो है ये पहुंच गई हैं, और अदब लिहाज कुछ भी नहीं है, पुराने अपने रोने इनको आकर, और हम यहाँ मिले, हमने ये किया, हमने फला कसम खाई, हमने ये किया वो किया, और आकर अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, फटे पुराने कपड़ों में आना। तो भाई तुम कुछ भी पहनो। अच्छा, मेरे को एक ने कमेंट किया, बल्कि मैं सबसे पहले कमेंट की बात करूं तो इनकी इंस्टा पे जो रील डाली, वहाँ जाकर देखो, इन्होंने जो अभी अपने चैनल पर जो व्लॉग डाले वहाँ जाकर देखो यार, 99% लोगों ने ये बात को बोली है कि ना आप ये जा रही हो, ये कर रही हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और मज़ारात पर जाना आना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, दूर रहना चाहिए, इस तरीके के कमेंट इनके पास आए में हैं। और लोग ये भी इनसे कह रहे हैं कि बोलती है कि हर बात हमको कमेंट में कर दो, क्या चीज़ खा रही हूँ, क्या चीज़ ये मुझ पे अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो कमेंट में बताना। लोग बोलते हैं कि कमेंट तो देखती नहीं है, क्यों? कमेंट इसलिए नहीं देखती मेरे बहन भाइयों, कमेंट इसलिए नहीं देखती क्योंकि इसको पता है कि अगर ये कमेंट सेक्शन इसने ऑन किया ना, तो इसको 99% तो लानते पड़ने वाली हैं, वो चाहे इंस्टा की रील से हो
चाहे वो यूट्यूब चैनल से हो, इसको लानते तो पढ़ने वाली है वहाँ पर, तो ये जाके वहाँ पे देखेगी क्या और किस किस को जवाब देगी, किस किस को, क्योंकि जितने व्यूज़ आ रहे हैं वैसे तो परसों की वीडियो के बाद जो है ना इनके व्यूज़ जो है वो थोड़े से डाउन होते हुए दिख रहे हैं, है ना, आप लोग ने देखा होगा। मुफ्ता खोर है हर जगह, खैर मुफ्ता मारने चली जाती हैं, खैर वो इनका खुद का मैटर है, कुछ भी करें, किसी के पास जाके कुछ खाएं या पिएं ज़बरदस्ती का, कुछ भी करें, लेकिन सारी बात ये मैं तो बोलूँगी भाई इनके लिए कुछ एक्शन ले लो यार, प्लीज़ इनके लिए कुछ एक्शन लो, ताकि मेरे को कमेंट किया एक ने कल वाली वीडियो पे मेरी, जबी अंसारी करके कुछ नाम है मेरी, कल की वीडियो आप लोग देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा, तो उन्होंने बोला जी यहाँ पर मुसलमानों के लिए ये बनाया गया है कि अगर कि कोई जैसे बेहुरमती कर रहा है या कोई दीन इस्लाम को कुछ गंदा साबित करने की कर रहा है तो उनके लिए कम्युनिटी बनी हुई है कि वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, तो मैं बोलूँगी कि वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं तो वहाँ पे थोड़े से अपने कदम बढ़ा लो, सवाब ही मिलेगा, यकीन मानो सवाब ही मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए कदम बढ़ा रहे हो, अच्छी चीज़ के लिए आप कदम बढ़ा रहे हो, आप ये बेहुरमती और हमारे दीन को जो लोग बदनाम कर रहे हो उनको आप रोकने के लिए कदम बढ़ा रहे हो, आप लोग को इसका अजर अल्लाह पाक ज़रूर देगा, ज़रूर देगा, बेशक देगा। और ये जो है ना इनकी समझ में ये आएगा भी नहीं, कभी नहीं आने वाला। और दूसरी बात मैं ये बोल रही थी कि ये जो चाचा जी को इसने नमूना बनाया है ना, अरे भाई तू इनके बाल काले कर, इनको गंजा करवा, अपने बाप की उम्र का बना या कुछ भी कर, पर ये जो चेहरे पे इन्होंने सुन्नत सजाई भी है ना नबी की हमारे, उसका मजाक मत बना, उसका मजाक बनाने का हक जो है ना वो किसी को नहीं है, क्योंकि ये दाढ़ी शरीफ जो है ना ये हमारे नबी के चेहरे पर थी और ये नबी की सुन्नत है जो आज तक चलती भी आ रही है, तो उसको यहाँ से गोल्डन, यहाँ से वाइट, यहाँ से ये कुछ करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम पे एक दिन अल्लाह की इतनी मार पड़ेगी ना। और आज तो मतलब अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ या बददुआ कुछ भी समझ लो आप, कि आज है कि अल्लाह पाक इसको इबरत का निशान बनाए, अल्लाह पाक इसको ऐसा इबरत का निशान बनाए कि जो कोई अगला कोई हमारे दीन के बारे में, हमारे रसूल के बारे में, हमारे अल्लाह के बारे में, हमारे पीर वलियों के बारे में अगर कुछ सोचे ना, कुछ बुरा बोलने का अगर सोचे भी, तो उसकी नस्ल दर नस्ल याद रखे, कुछ ऐसा अल्लाह पाक इसके इसको ना ऐसा इबरत का निशान बनाए। आज की वीडियो मेरी यही थी बस, जिसको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सा प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।